गोवर्धन पूजा के मौके पर भोपाल में पहली बार बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीपावली और गोवर्धन पूजन के पावन पर्व की सभी को बधाई दी। इस दौरान शिवराज ने कहा, शहरों में तो गोवर्धन पूजा कम होती है, लेकिन गाँव में यह पूजा की जाती है। उन्होंने कहा, अपना देश अद्भुत है, हमारे देश का 5000 साल का तो ज्ञात इतिहास ही है, साथ ही हमारे ऋषियों ने सोच समझ कर परंपराएं बनाई हैं। गोवर्धन पर्व के मौके पर सीएम शिवराज ने कहा, संयुक्त राष्ट्र वाले अलग अलग गोल सेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो हजारों साल पहले कह दिया गया था, वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है, हमारे किसी भी देवता की पूजा करो तो वो किसी न किसी वाहन पर बैठ कर आएंगे। हमारे यहाँ पेड़ों की पूजा हजारों साल से होती रही है। भारत ने हजारों साल पहले कहा कि प्रकृति का दोहन करो, शोषण मत करो। कन्हैया भी जानते थे कि गोवर्धन नहीं होगा तो गांवों को चारा नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, औषधि नहीं मिलेगी और जड़ी बूटियां नहीं मिलेंगी, इसलिए उन्होंने गोवर्धन पूजा करने को कहा। प्राकृतिक असंतुलन के कारण अनेक समस्याएं आ जा रही हैं। नदियां हमारे यहाँ जलवाहिका नहीं मानी गई हैं, हमने इन्हें माँ मानकर पूजा की है। उन्होंने कहा, गोवर्धन पूजा कोई कर्मकांड नहीं है, मेरे प्रदेशवासियों गंभीर चिंतन के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है, हमें समस्या का समाधान ढूंढना है, आने वाली पीढ़ियों की चिंता करना है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे सामने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई लक्ष्य रखे हैं, अगर धरती को बचाना है तो अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, कम से कम अपने जन्मदिन पर एक पेड़ तो लगा दो। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश में इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। गोवर्धन पूजा के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज व्यापक पैमाने पर पूरे प्रदेश में गोवर्धन पूजा का त्यौहार समाज के साथ सरकार ने भी जुड़कर मनाया, और ये महज एक कर्मकांड नहीं है, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की। और धरती पर आज जो संकट है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, चिंता पूरा विश्व प्रकट कर रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक मिशन लाइफ का हमें मंत्र दिया, और अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर हम कैसे पर्यावरण को बचा सकते हैं इसका आह्वान किया। हमने प्रधानमंत्री जी के मिशन लाइफ के मंत्र को जमीन पर उतारने का संकल्प लिया। शिवराज ने कहा, मैं आह्वान करना चाहता हूं किसान बंधुओं से कि प्राकृतिक खेती पर भी ध्यान दें। हम खाद और कीटनाशक की पूरी व्यवस्था करेंगे, लेकिन इससे जो जमीन की दुर्दशा होती है इस पर भी विचार करें। मध्य प्रदेश में 59,000 किसानों को पंजीयन प्राकृतिक खेती के लिए हुआ है। केमिकल फर्टिलाइजर हमारे खाद्य पदार्थों को जहरीला बना रहे हैं, इससे बीमारी बढ़ रही है। अगर आज ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाली पीढ़ियां इससे प्रभावित होंगी। इस दौरान शिवराज ने पीएम मोदी के कार्यों की तारीफ की। प्राकृतिक खेती भी एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग हम नियंत्रित कर सकते हैं, पूरी खेती पर नहीं, थोड़ी खेती पर लाभदायक सिद्ध हो तो धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की तरफ चले जाएं। तो ऐसे अनेकों उपक्रम प्रारंभ हम लोग मध्य प्रदेश में। अरविंद केजरीवाल का आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।